दुर्लभ भी कितना अरविंद वीडियो कट कर दो ऐसे भी संज्ञान में आई है क्योंकि अब गैंग को पकड़ा गया है तो उसके बाद बहुत से ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही है जो इस गैंग के कारण पीड़ित लोग हैं जो रहवासी हैं उस क्षेत्र के वो भी काफ़ी दहशत में रहते थे तो लगातार इस गैंग के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं की जा रही थी पुलिस उनके अलग 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 क्षेत्रों में भी अपराध रहे इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेकर या किसी के भी संपर्क करने पर पैसा लेकर किसी व्यक्ति को धमकाने हत्या करने या घायल करने के अपराध हैं इनके द्वारा बहुत से हथियारों का उपयोग इन अपराधों में किया है जिसमें तलवार चाकू भागने पुलिस ने जब्त किए काफ़ी तादाद पुलिस द्वारा अपराध वर्तमान में घटित हुए जिसमें इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई चाकूबाजी की गई उससे शुरुआत करके पुलिस ने पूरे गैंग को ट्रेस किया जिसमें अलग अलग टीम्स जिले में बनाई गई जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी पुलिस के शामिल थे सभी को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया आगे भी इसमें पूछताछ जारी है जिन लोगों द्वारा इन्हें आश्रय दिया गया इनको फंडिंग की गई इनको हथियार उपयोग में लाए गए उनकी भी पुलिस गिरफ्तारी की।